हरिओम, मेरा नाम आशुतोष सिंह चित्रे है। मैं अहमदाबाद से हूँ और बापू परिवार के साथ मैं करीब 2007 से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा खुद का घर एक छोटा सा प्रायोगिक केंद्र है। बापू परिवार के यहाँ 2007 से आने के बाद मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे फैमिली में अच्छे अच्छे अनुभव आए हैं। उनमें से ही एक अनुभव आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। 9 फरवरी 2016 के दिन मेरे को अहमदाबाद से करीब 70 किलोमीटर दूर कड़ी गांव में सेरा नाम की फैक्ट्री में एक मीटिंग में जाना था। 1:30 से 2:15 के बीच में जो मीटिंग थी वो मैंने अटेंड की और मुझे वापस अहमदाबाद लौट के आना था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं जब अहमदाबाद हाईवे पे आया, कड़ी और कलोल के बीच में, तब हाईवे के ऊपर मैंने एक भैंसों के झुंड को मेरी तरफ आते देखा। उसमें से एक भैंस अचानक मेरे I-10 कार के विंडशील्ड के ऊपर से आके टकरा गई। मेरी कार की स्पीड करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बापू ने हमको सबको कहा हुआ है ज़्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चलाना, इसीलिए उसी शब्दों को पालते हुए मैंने अपनी गाड़ी की निर्धारित स्पीड रखी थी। आप लोगों को ताजुब लगेगा कि जब वो भैंस मेरे विंडशील्ड कांच से टकराई तो कार पूरा चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े मेरे शरीर पे आके गिरे, मगर मुझे कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई भी कांच मेरे शरीर के अंदर घुसा नहीं, ना ही किसी प्रकार की ब्लीडिंग हुई, ना ही कोई अंदरूनी इजा हुई मुझे। ये बात और है कि गाड़ी भी बंद नहीं हुई, गाड़ी चालू अवस्था में थी। इसी दौरान मेरी दाई ओर से एक और कार आई जो मारुति सुजुकी थी। उसमें को ड्राइवर सीट पे एक भाई साहब जो सफ़ेद शर्ट पहने हुए थे, उन्होंने मुझे इशारा किया कि भाई साहब यहाँ से निकलिए। गुजराती में उन्होंने कहा, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ इसीलिए उनके गुजराती शब्दों में भी बताता हूँ, कि भाई अहीं निकलो। इसका तात्पर्य है कि आप लोग भी जानते हैं भैंसों का झुंड रखने वाले रबारी लोग होते हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया होता तो पता नहीं मेरे साथ वो क्या कर सकते थे। और बापू ने ही उस मनुष्य के रूप में मुझे वहाँ से निकलने की प्रेरणा दी। मैं वहाँ से उसी स्पीड से करीब, तो शायद थोड़ा और स्लो, करीब 50 या 60 की स्पीड से मैं वापस निकल गया। और करीब 2 या 2.5 किलोमीटर जाने के बाद वही आदमी, वही कार वापस मेरे दाहिनी ओर पैरेलल आ गए और उन्होंने बोला कि थोड़ा सा और स्पीड से निकलिए या यहाँ से निकल जाइए। उनका कहने का तात्पर्य यही था कि ये लोग पीछे से भी आके आप पे वार कर सकते हैं या पकड़ सकते हैं, और इस बापू रूपी आदमी को मुझे इन सब से बचाना था। वो आदमी ने गुजराती में बहुत अच्छे शब्द कहे, बापू तमे आगल रहो, हूँ तमारी पाछल छू। इसका तात्पर्य ये होता है कि आप आगे रहिए, मैं आपके पीछे हूँ। ये गवाही बापू के अलावा कोई और नहीं दे सकता, ये आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं उस अपनी ही धुन में गाड़ी धीरे धीरे आगे चल रहा था और बाद में मेरा ध्यान गया कि वो गाड़ी भी गायब है, वो भाई साहब भी गायब है। मुझे वो गाड़ी दोबारा दिखाई नहीं दे रही थी। ये कौन हो सकता है? सिर्फ अपना बापू ही हो सकता है। अंबद्य श्री राम, हरिओम।